नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। भारत चीन सीमा विवाद, राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक, एनएसए डोभाल, जनरल रावत और तीनों सेना प्रमुख मौजूद। कंगना वर्सेज शिवसेना का आठवां दिन, फडणवीस बोले दाऊद का घर नहीं तोड़ा जाता, कंगना का तोड़ दिया। शरद पवार ने कहा कार्रवाई बीएमसी की है, हमारी सरकार से लेना देना नहीं। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा यह गंभीर आरोप है और इसकी जांच जरूरी है। पीएम मोदी ने मार्कशीट को बताया प्रेशर शीट, बोले इससे न हो छात्रों का मूल्यांकन। हिमाचल के सोलन क्षेत्रीय अस्पताल 48 घंटों के लिए सील, आपातकालीन सेवाएं रहेंगी जारी। हिमाचल के मानव भारती विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री मामले की जांच के लिए सरकार ने गठित की 19 सदस्यीय एसआईटी। चंडीगढ़ में शनिवार और रविवार को भी जा सकेंगे सुखना लेक, प्रशासन ने लिया फैसला, हटाया वीकेंड लॉकडाउन। पीपली में लाठीचार्ज से खफा किसानों ने किया डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला निवास का घेराव। सीएम कैप्टन अमरिंदर बोले सावधान रहे, पंजाब में कोरोना 2 सप्ताह में होगा चरम पर। कोविड टेस्ट के नाम पर चंडीगढ़ में लूट, गर्भवती को पॉजिटिव बता लैब में, 15 सदस्यों का किया टेस्ट, दूसरी लैब में आया नेगेटिव। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।